भागेश्वर महादेव आश्रम समिति के द्वारा श्री सद्गुरु बाबा छत्तूराम जी की 33वीं वर्षी एवं महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन 2 से 8 मार्च बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इस सप्त दिवसीय आयोजन में हर दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शादी है आज मेरे भोले की शादी है। बोलिए उमा पति महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 6 मार्च को श्री पाठ साहब का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंदौर से पधारी साध्वी विष्णुप्रिया जी के मुखारविंद से नित्य प्रवचन और शाम को ग्यारस की कथा एवं भजन कीर्तन से भागेश्वर मंदिर का प्रांगण पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग गया। छोटे बच्चे थे, जैसे ही बड़े बुजुर्ग थे, भोले बाबा की बारात जैसे पहुंची तो सबसे पहले थे विष्णु जी, बड़े सुंदर। राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम। आज बाबा छत्तूराम जी की बरसी पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या क्या आयोजन आज यहाँ पर किए जा रहे हैं? देखो, 7 दिन का मेला लगा है, इसमें शिव पार्वती का विवाह किया है, ग्यारस की कथा की, अब कल बाहर से संत आए हैं। कल पहले भक्ति प्रिया जी सत्संग करेंगे शाम को, रात को बाहर से संत आए हैं, परसों भोग साहब रहेगा, उसके बाद जनेऊ संस्कार भी है, हर साल करते हैं, शादियाँ करते हैं। बाबा का शुरू से एक सपना था कि गरीब कन्याओं का विवाह बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, तो वो हमेशा उनका सपना अभी भी साकार है, अभी भी वो काम चल रहा है, जनेऊ संस्कार भी होते हैं, शादियां भी होती है। हम हमारे बाबा को थैंक्स बोलना चाहते हैं, बहुत बड़ा वाला थैंक्स, उनकी कृपा से हम हमारे जीवन में बहुत खुश हैं, उनका हम जितना भी शुक्रिया करें अपने तहे दिल से उन्हीं का ही शुक्रिया करते हैं। और आज हम जो भी हैं, जैसे जीरो से हीरो की यात्रा हमारे गुरु के आशीर्वाद से ही हम पे है, और इनका हम जितना भी मतलब शुक्रिया करें वो बहुत कम है। बागेश्वर मंदिर में बाबा छत्तूराम की वर्षी पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, विष्णु प्रिया दीदी का रोज सुबह सत्संग चल रहा है, उसके साथ आज ग्यारस की कथा की गई, साथ में शिव जी की मेहंदी और हल्दी का आयोजन कर विवाह कराया गया, सभी समाज ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। कोमल जी, आज जो भी आयोजन किए गए हैं, तो क्या हमेशा मतलब हर वर्ष इस तरह से यहाँ आयोजन किया जाता है, थोड़ा सा विस्तार में हमें बताइए जी। बोले बाबा छत्तू राम की जय, बाबा पीरू राम की जय। हर वर्ष यहाँ पर मतलब कम से कम 11 कन्याएं, 6 कन्याएं, 5 कन्याएं, उनका विवाह होता है ना। बाबा का लक्ष्य यही था कि गरीब कन्याओं का विवाह करवाना है ना, तो मतलब हम बाबा के उन पग चिन्हों पर चल रहे हैं और बाबा का वो सपना पूरा कर रहे हैं। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, इस साल कोई विवाह की एंट्री नहीं आई है, तो शायद प्रभु की इच्छा होगी जो सबके मन में आ गया कि है ना शिव पार्वती का विवाह होगा इस बार, तो अभी शिव पार्वती का विवाह हो रहा है। और बाबा है ना बहुत पहुँचे हुए संत थे, उनके मुंह से जो भी शब्द निकलता था ना वो राम बाण होता ही था। बोलिए छत्तू राम साहेब की जय। इसमें 3 दिन का प्रोग्राम है, आज इसमें शिव विवाह किया गया, ग्यारस की कथा की गई और सुबह भी भजन कीर्तन भक्ति प्रिया के शिष्य विष्णु प्रिया द्वारा सत्संग किया गया और आरती अरदास सभी की गई।